Assalamu alaikum. My name is Dr. Ali Akbar Gabhrani, Machiswala Counseling Center ka head in charge. आप लोगों ने मुझे पहले भी सुना है और आज आपकी खिदमत में फिर एक नया मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ अरसे तक मैं आप लोगों की खिदमत से बाहर रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में आई शुड बी रेगुलरली कमिंग टू यू, कुछ आपकी खिदमत कर पाऊँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे वादे पे कायम रहूं कि आपकी खिदमत में एक नए नए टॉपिक, नए नए प्रेजेंटेशन लेके आऊं और आपकी अंदरूनी ताकत जो है उसको मैं अपने आप को भी मजबूत करूं और कोशिश करूं कि आपकी अंदरूनी ताकत भी जो है उसको एक राह मिल जाए. आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ आपकी खिदमत में वो मेरे बच्चों, मेरे छोटे बहनों भाई उनके लिए है, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स आ रही है, एग्ज़ाम्स तकरीबन सामने है. जो बच्चे लोग बहुत स्टूडियस, बहुत ही मेहनती, बहुत ही माइंडसेट उनका बहुत स्ट्रांग है, उनको भी कभी कभी इस तरह की परेशानी आती कि भाई एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आती है उनको एंजाइटी परफॉर्मेंस होता है और बहुत इंटेलिजेंट 90% 95% 98%, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आती जाती है कहीं ना कहीं उनके अंदर खौफ, एक डर कि क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन. ऑल दो ही 95% उसका पता है कि आखिरी में 95% आया है आखिरी एक टेस्ट के अंदर, बट स्टिल जो परफॉर्मेंस रहते हैं. और जो बच्चे मेरे भाई बहने, जो मेरे बच्चे जो जिन्होंने अभी तक उतना प्रिपरेशन नहीं किया है या कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है, मैं उनके लिए खास तौर से ये प्रेजेंटेशन लाया हूँ. और ये मेरे प्रेजेंटेशन में कोशिश करूँगा और मैंने लाया हूं इतनी मेहनत करके कि अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन ध्यान से अगर आधा घंटा सुन लेंगे तो आपका माइंडसेट इंशाल्लाह बदल जाएगा. मेरी कोशिश ये रही है और ये रहेगी और इंशाल्लाह अगर आप सुन के ध्यान से अगर मेरी बातें बहुत एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह यस, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ जाएगी कि हाउ टू फेस द फियर. नेक्स्ट प्लीज. स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है उसके पास कोई स्पेशल बुक्स थोड़ी होती है. 95% लेने वाले के बाद 98% लेने के वाले उसको स्पेशल बुक थोड़ी होती, वो सेम सिलेबस होता है, सेम बुक होती है, लेकिन उसकी जो वे जो होती है स्टडी करने की वो स्मार्टली होती है. एग्जाम सामने है, मैं आपको ये स्टडी स्किल नहीं बताऊंगा कि ये रीडिंग मटेरियल कैसे करने का, ये पैराग्राफ को कैसे समझने का, उसके अंदर से एब्जॉर्ब करने का, वो सारा टाइम गया. अब सामने हैं आने वाले दिनों में, आने वाले दिन में आँख खुलेगी और आपको एग्जामिनेशन हॉल को जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा एंड अपीयर करने पड़ेगा. अभी जो मेरे पास फिलहाल जितने दिन है, एसएससी वाले ट्वेल्थ की एग्ज़ाम अभी यही महीने से शुरू होने वाली है, एसएससी की एग्ज़ाम आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है, उसमें कैसे अपीयर करने का, मैं आपको चंद फार्मूले लेके आया हूँ और ऐसे छोटे छोटे फार्मूला लेके आया हूँ. मैंने मेरी हमेशा कोशिश ये है कि मैं ऐसी बातें ले आऊँ जो बिल्कुल पानी और शक्कर मिला हुआ हो, आप मुंह में डालोगे आपके डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए. मैंने ऐसे फार्मूला मेरे बच्चों के लिए लाया हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको दूँ. नेक्स्ट प्लीज. सबसे पहले मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ कि अल्लाह ने मुझे अंदर एक ट्रेजर दिया है, एक नेमत दी है, एक पोटेंशियल नाम की जो ताकत है वो दिया है. और ये सबको पता है कि ये दिया है, लेकिन मेरी जो सेल्फ टॉक होती है उसमें कहीं ना कहीं होता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा. स्टैटिस्टिक बताती है कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 21 साल की उम्र तक 14,70,000 टाइम्स ये सुन चुका होता है तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. यू कैनॉट डू, सो डिफिकल्ट, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा आपसे. अब ये पूरा माइंडसेट आपको बदलना है और उस माइंडसेट के जगह पे आपको लाना है कि आई कैन डू इट. जब ये आई कैन डू इट आ जाएगा ना आपके अंदर तो आई कैन आई विन एंड आई कांट आई लूज.
और ये बच्चे लोग यही फिक्र में होते हैं, मैं ये एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा, अच्छी तरह नहीं कर पाऊंगा, 98% नहीं लाऊंगा। डोंट वरी, वी डोंट वॉन्ट 98%, बट वी एट द सेम टाइम वी डोंट वॉन्ट दिस टॉक ऑल्सो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आपका माइंड सेट ये रखो कि आई कैन देन आई विन, आई कांट आई लूज। अगर आई कैन हो जाएगा ना, तो अंदर का जो घबरानी है ना, अंदर का जो मोहम्मद अली है ना, उसके अंदर एक ब्रेवरी होगी, उसके अंदर एक करेज पैदा होगा, एक हिम्मत पैदा होगी, और वो हिम्मत के एंड पॉइंट जो है, हिम्मत का जो आउटपुट है, उसका नाम जो है वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब आपका बोलना बड़ा आसान है, ये सब है, कॉन्फिडेंट है, अंदर कॉन्फिडेंट है, पर लाऊं कैसे मैं? मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंट आता ही नहीं, मुझे तो डर लगती है। एग्जाम का नाम सुनता हूं, बुक खोलता हूं, तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। ओ माय गॉड, अगेन बुक बंद। ये हर एक बच्चे के साथ में होता है, जो लोग इस एंजाइटी में मुब्तला है उसके साथ में होता है। नहीं नहीं, मैं तो बड़ी क्लास में नहीं जाता हूं, मैं तो बड़े प्रोफेसर के अंडर में सीखा नहीं हूं, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा। ये नहीं कर पाऊंगा, हमारी जो करेज होती है, हमारी जो बहादुरी होती है स्टडी की लेवल में, वो बहादुरी को, वो करेज को वो डिमिनिश कर देती है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा अंदर का जो घबरानी है वो मुरझाने लगता है, अंदर का जो मोहम्मद अली है वो मुरझाने लगता है। जब वो मुरझाने लगता है, तब होता है कि नहीं नहीं, आई कांट डू इट। पोटेंशियल के दरवाजे मैंने खुद अपने हाथों से बंद कर दिए, पर अगेन ये प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर साहब हमको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का एक ही है कि कॉन्फिडेंस अगर आपको लाना है ना, तो कॉन्फिडेंस किस तरह होता है? मसल्स के टाइप का होता है। लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं ना, रोज एक्सरसाइज करते तो मसल बढ़ता है। आपने तो बहुत एक्सरसाइज की अपने जमाने में। आपका मसल्स तब बढ़ेगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा आप जब उसके ऊपर काम करोगे, और उसके ऊपर काम करने के लिए यहां पर माइंडसेट होना चाहिए कि आई कैन डू इट। जब डेडिकेटली ईमानदारी से अगर बोलेंगे कि आई कैन डू इट, फिर कुदरतन अंदर से रास्ते निकलेगा हाउ आई कैन डू इट। क्योंकि अब तो मुझे पता है कि आई कैन डू इट, लेकिन वो सुपरफिशियल है, आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा। बट मैं स्टडी टेबल पे नहीं बैठता हूं, मैं लाइब्रेरी में नहीं जाता हूं, मैं बुक नहीं खोलता हूं, मैं नेट नहीं खोलता हूं, नेट खोलता हूं तो कोई दूसरे पर्पज से खोलता हूं। अगर इस तरह का रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मेरे भाई, इस तरह का रहेगा तो मेरी ब्रेवरी नहीं आएगी, अंदर मुझे किंडल जलानी पड़ेगी, अंदर मुझे इल्म की शमा जलानी पड़ेगी, तब जाके मुझे ये कॉन्फिडेंस आएगा, ये ब्रेवरी आएगी, और तब जाके ये एटीट्यूड बिल्डअप होगा आई कैन डू इट। और जब आई कैन डू इट होगा ईमानदारी से, देन विन की रोशनी दिखेगी कि हाँ मैं जीत पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल डू इट। हाउ टू डू इट, इंशाल्लाह आई विल टेल यू। नेक्स्ट प्लीज। मैंने बहुत सारी मेहनत की, काश कि अल्लाह को ऐसा कर दे कि मेरे को आंसर याद रह जावे। मैंने बहुत सारी मेहनत कर ली है, काश को ऐसी कोई गोली हो जो मुझे याद रखे, मैंने जो जितनी मेहनत किया हूँ वो मुझे याद रह जावे एग्जाम में। कुछ ऐसा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा गोली दो, कुछ ऐसी दुआ बता दो कि जो हो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जावे और मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत अच्छा लिख पाऊँ। मैं रात रात भर सोता नहीं हूँ, यही फिक्र रहती है कि कुछ तो हो जावे, कुछ तो मौजूदा होवे, कुछ तो मेरिकल होवे, कुछ तो ऐसी बात होवे जो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं और मुझे सब याद हो जावे और मैं सब याद कर लूं और मैं सब एग्जाम में जाके पूरा लिख के आऊं। हर बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा मोस्टली, जिसका प्रिपरेशन बराबर नहीं है उसके लिए। एंड होता भी है, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे पिल्स, बहुत सारा विटामिन्स, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। गुड मार्क्स आते क्यों नहीं है? मैं बहुत सारी मेहनत करता हूं, बहुत सारा एफर्ट्स लगाता हूं, फिर भी गुड मार्क्स आते नहीं है। प्रेजेंटेशन जब रिजल्ट्स आया 62%। लेट मी टेल यू एक बात, बहुत मेरे बच्चे लोग मेरे बहुत ध्यान से सुनना कि आज के जमाने में फेल होना बहुत मुश्किल है। आज की स्टडीज की टेक्टिक ऐसी है, उसका माध्यम ऐसा है, उसका मीडियम ऐसा है कि 35-40% कोई भी लाएगा।
आपके हाथ से चांस चला गया, आप पास हो गए 40% से, फेल हो गए तो आपके हाथ में एक चांस रहेगा कि आप री अपीयर कर सकते हो। आज के टाइम में आज की स्टडी की पैटर्न ऐसी है कि आप 35-40-50% आराम से ला सकते हो, एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। फेल होना मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ के फेल हो जाओ, आई डोंट मीन दैट, आप मुझे राइट इंटरप्रेट करना, और 95% लाना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को 50% ही आते हैं। क्या वजह है? मेरी प्रिपरेशन जो है वो पुअर है, मेरी रीडिंग की जो स्टाइल है वो फॉल्टी है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नीचे है, और सबसे बड़ी बात मैंने ये ऑब्जर्व किया हूँ कि मैं जब एग्जाम हॉल में जाता हूँ मैं सब भूल जाता हूँ। पेपर सामने आया, क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया, एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग। ओह माय गॉड, अल्लाह क्या हो गया ये, पसीने पसीने एकदम फिकर। और अभी का मेरा टाइम आप देखोगे ना, शेड्यूल देखोगे तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ तो एग्जामिनेशन के अंदर तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर सारी चीज़ बयान करनी होती है, सारा रिकॉल करके पेपर में लिखना होता है। अगर मेरा यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वहाँ पर नहीं होगा। मैंने कभी बताया था कि इंटरनल बटर बटर, एक्सटर्नल बटर बटर, अपना टाइम मैनेजमेंट यहाँ करोगे वहाँ पर आराम से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले रिहर्सल यहाँ करना पड़ेगा आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। कैसे करेंगे? इंशाल्लाह। बच्चे लोग में बहुत सारे मसाइल होते हैं, भूल जाता हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डर बहुत लगती है, फियर बहुत है, आंखों में बहुत तकलीफ है, नींद नहीं आती है, हेडेक बहुत है, जहाँ स्टडीज करने बैठता हूँ तो पेट में दर्द हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, डिप्रेशन है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे मैंने बुक खोली मुझे पता नहीं चलता 10 मिनट के अंदर मुझे बहुत नींद आने लगती है, और जैसे मैंने बुक बंद करी टेलीविजन चालू किया तो मैं रात को 3 बजे तक जागते रहता हूँ, जैसे मैंने व्हाट्सअप चालू किया रात को 3 बजे तक जागते रहता हूँ, और जैसे ही मैंने स्टडीज की बुक खोली और गहरी नींद आने लगती है। यू सी, बहुत सारे बच्चे लोग में मसाइल है, ये क्या है? और बताऊंगा मैं आपको, यही सारे मसाइल है जहां कम मार्क्स मिलते हैं। मैं ये कम मार्क्स मिलने की सारी वजह बता रहा हूँ, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ स्लीप, रॉन्ग स्टडी मेथड, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत जल्दी नींद आ जाना, बहुत ज़्यादा खाना खाना, ये सारी चीज़ें जब पिक्चर देखने की होती है ना तभी नींद भी नहीं आती है, आँखें यूं खुली रहती है, सब डायलॉग याद हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब। बुक खोलो तो नींद आती है, पिक्चर देखो सीरियल देखो तो नींद उड़ जाती है, ये क्या है? ये कोई बीमारी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉल्ट है इसमें। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले ये सारे मसाइल है हमको कहीं ना कहीं ये हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स है। सॉल्यूशन क्या है? अब मैं आहिस्ता से सॉल्यूशन की तरफ आता हूं। सबसे पहले तो मुझे जितना भी डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ के अंदर है वो मुझे निकालना है। सब निकाल तो नहीं पाऊंगा, मेरा बोलना बहुत आसान है, मैं टेबल के इस साइड खड़ा हूँ, मैंने एसएससी पास कर लिया हूँ, मैंने 12th पास कर लिया हूँ, मेडिकल ग्रेजुएशन मेरा हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, मेरा बोलना बहुत आसान है। लेकिन मेरा बोलना आसान है उतना भी मैं आपको टेक्टिक सिखाऊंगा, आपका करना भी इंशाल्लाह उतना ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन कम कर दो। आई एम नॉट टेलिंग कि बंद कर दो, बंद कर दोगे तो आप जीनियस हो जाओगे, और आप जीनियस हो। अगर आपको जितना जीनियस बनना है डिस्ट्रैक्शन उतना कम करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें, कैसे कम करेंगे? सबसे पहले तो अवॉइड मल्टीटास्किंग। मैं स्टडीज भी करूंगा, टेलीविजन भी देखूंगा, मैं स्टडीज भी करूंगा, व्हाट्सएप भी देखूंगा, मैं स्टडीज भी करूंगा, म्यूजिक सुनूंगा। एक नया ट्रेंड आया है, डोंट डू मल्टीटास्किंग, और नो पीएम, ये मेरा याद रख लेना, नो पीएम। अक्सर स्टार्टिंग होती है ना नेबर के साथ में होती है, नेबर में मेरा दोस्त है या मेरी फ्रेंड है, अगर मेरी बेटी है तो मेरी बेटी की फ्रेंड होगी, और मेरा बेटा है तो मेरा बेटे का फ्रेंड होगा, नेबर में होते हैं उसी के साथ में गॉसिपिंग। बुक खुली है, हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, वो भी 10th में, मैं भी 10th में हूँ, लेकिन गॉसिपिंग, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, ये डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा एन हो गया नेबर, ओ ओकेजन,
बहुत सारे ओकेजन में, मेरे ब्रदर की बेटी की शादी है, मैं तो चार दिन शादी, कल एग्जाम है, मैं इस शादी में, अल्लाह ना करे किसी घर में कोई मैयत हो गई, चार चार पांच पांच दिन मैयत में बिजी है। ओकेजन को कम करो, नहीं होता नहीं जाओ, ठीक है, इट इज ऑल राइट, बर्थडे पार्टी आज नहीं बनाएंगे, अगले साल बर्थडे पार्टी हो जाएगी, मंगनी में नहीं जाएंगे, रिंग साड़ी में चले जाना, शादी में चले जाना, वलीमा में चले जाना, अभी मेरे को नहीं जाने का है। ओकेजन कम करो, अभी एग्जाम्स का टाइम है। उसके बाद में पियर्स, नीचे से फ्रेंड ने फोन किया, घबरानी भागा, बुक बंद, मैं इंपॉर्टेंट काम से आता हूँ, वहाँ वो मिस है ना, वो सारे ने वो इंपॉर्टेंट दे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है बॉस। और यही पियर्स हैं, लेट मी टेल यू, यही दोस्त है, अगर अच्छे दोस्त हो गए ना, उसके साथ में आप रहोगे तो आपका मार्क्स ऊपर चला जाएगा। और यही पियर्स है जो टाइम पास करेगा ना, वो आपको उस, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। अगर डिस्ट्रैक्शन वाला पियर्स है, डिस्ट्रैक्शन वाला अगर दोस्त है, उसको डिलीट करो अपनी ज़िंदगी से। और लास्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, माँ बाप मेरे से बहुत खुश हो गए ये मेरा लास्ट सुन के, लेकिन बच्चे थोड़े मुझसे नाराज़ हो गए, लेकिन बच्चे लोग मैं आपकी फेवर में हूँ, मैं काउंसिलर हूँ, मैं बच्चे लोग मैं आपकी फेवर में हूँ, मैं काउंसिलर हूँ, मैं आपका हित देखूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम एम फॉर जो मीडिया होता है, सबसे बड़ा शैतान हमारे ऊपर बैठा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, बच्चे लोग रात में सो नहीं पाते, स्टडीज तो दूर की बात, टिंग टिंग घंटी बजी तो यूं करवट बदले और देखे कि किसका मैसेज आया, फेसबुक के एक नोटिफिकेशन आया फेसबुक के ऊपर तो हैप्पी हो जाते हो, एक नोटिफिकेशन नहीं आया तो नाराज़ हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मीडिया का, अगर आप मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से हट जाओगे फॉर सर्टन पीरियड अमाउंट ऑफ टाइम, जब तक आपकी एग्जाम्स है, उसके बाद मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं प्रमोट करता हूं कि आप मीडिया को देखो, एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन, स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना ही चाहिए लाइफ के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। अगर ये सारी चीजें कर ली है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ये एक स्लाइड आपकी समझ में आ गई तो समझो कि मेरा 25% का प्रेजेंटेशन आपकी समझ में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आ जाएगा। चेंज योर माइंडसेट। मेरा फिक्स माइंडसेट है अभी, मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। पूरा साल मैंने क्या किया है, पूरा साल मैंने टीवी देखा है, व्हाट्सएप देखा है, दोस्तों के साथ में गपशप करी है, अभी मैं सडनली बोलूं कि डॉक्टर घबरानी आप मुझे ऐसी गोली दो, ऐसी दवा दो, ऐसा तावीज दो कि मैं एकदम पलट आऊं, नहीं होगा। अगर कोई कर सकता है इस दुनिया में, कोई भी अगर बंदा कर सकता है तो मैं हूं, इंडिविजुअल आप हो। अगर आपको आपका माइंड सेट करना है, अभी फिक्स माइंड सेट है उसको बदलो एंड ग्रोथ माइंड सेट पर चले जाओ। अगर ग्रोथ माइंड सेट पर आपने डिसाइड किया है, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे ग्रोथ माइंड सेट पर चला जाना है, तो सबसे पहले अभी 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 आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मेरी एग्जाम है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, और मैं अभी डिसीजन लेता हूं कि मैं सारी बातें जो डॉक्टर घबरानी ने बताया उसको मिनिमाइज कर दूंगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं आगे इस अमल को, स्टडी के अमल को आगे ले जाऊंगा। आपने अगर डिसीजन ले लिया, फिर डेडिकेट होना पड़ेगा आपको, खाली डिसीजन से काम नहीं चलेगा, अंदर अपनी आत्मा, अपनी रूह को बात करनी पड़ेगी कि यस मैंने डेडिकेशन किया हूं, मैं सारी चीजें सेक्रीफाइस करूंगा। कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ठीक है उसको सेक्रीफाइस का नाम दो, मैं सेक्रीफाइस करूंगा कि ये मैं डेडिकेटेडली ये सारा काम करूंगा और बिल्कुल करूंगा। जब ये दो चीज आ जाएगी ना, तब आहिस्ता आहिस्ता पॉइंटर घूमेगा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, फोकस की तरफ, कि मुझे किस तरह फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी सारा जो है वो धूल आईने के ऊपर से साफ हो रही है, हो गई है, अभी मेरा फोकस होगा। और जैसे ही फोकस होगा ना, ऐसे मुझे अंदर से एक लॉ, अंदर से एक रोशनी मिलेगी कि मुझे बैठना चाहिए स्टडीज के लिए और मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए स्टडीज की, जितना भी आपसे हो सके। अगर ये आपने डिसीजन लिया, क्योंकि एग्जाम सामने है, अगर अभी भी नहीं बदलोगे तो मैं आपको आगे मेरी स्लाइड में मैंने लिखा हूं कि क्या होगा, कोई भी नहीं बदल सकता है। अल्लाह आपको जब मदद करेगा, जब आप ये करोगे, डेडिकेशन होगा आपका, बैठोगे जमीन पे,
बुक लेके बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एग्जाम में ये कर पाऊंगा और मैं मार्क्स ले पाऊंगा, तब जाके आई कैन डू एटीट्यूड आएगा। नेक्स्ट प्लीज। पहले मैं गोल बना लूं। मुझे लगता है कि 45 मिनट का 6 सेशन 24 घंटे के अंदर मिनिमम एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं 45 मिनट रोजाना दूंगा। 45 मिनट्स का 6 सेशन, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद में कॉन्सेंट्रेशन रहता नहीं है, हम लोग पकड़ नहीं पाते कॉन्सेंट्रेशन को। 45 मिनट्स का ही से मैंने आपको बताया डेडिकेशन, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो स्क्रीन बंद। आप अगर हायर स्टडीज करते हो तो आई डोंट मीन कि आप लैपटॉप बंद कर दो, नो, आई मीन टू से कि स्क्रीन बंद, तो डिस्ट्रैक्शन वाली स्क्रीन बंद, फोन बंद। 45 मिनट्स दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है, मैं मेरी स्टडीज, इसको डेडिकेशन बोलेंगे। अगर इस तरह के 6 हुए तब जाके अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि यस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना चाहिए, इतना बाकी है। क्योंकि बुक खोलोगे तब पता चलेगा कि इतना बहुत बाकी है और 25 ही दिन है एग्जाम्स के लिए, 12th की एग्जाम को भी 25 ही दिन है। तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि नहीं यार मुझे करना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पास होना है। और जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, अंदर से आवाज आएगी, बॉस तेरा टाइम, तेरी टैलेंट, तेरी एनर्जी, TTE मेरा बहुत फेमस है, TTE ये कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो समझ आने लगेगी कि मेरा टाइम कहाँ चला जा रहा है, मेरी टैलेंट कहाँ जा रही है, मेरी एनर्जी कैसे वेस्ट हो रही है। मैं सबको पकड़ूँ, गैदर करूँ, एक जगह जमा करूँ और स्टडीज में लगाऊँ, तब जाके तुम्हारा टाइम, टैलेंट एंड एनर्जी अगर यूज होने लगी, तब जाके आपकी जिंदगी के अंदर बैलेंस आएगा कि नहीं अबे मुझे लीजरली बहुत सारे दूसरे काम नहीं करने हैं, मुझे स्टडी करना है। और तब जाके एक या दो दिन में अगर आपका डेडिकेशन बहुत स्ट्रांग रहा, अंदर से रहा, रूह से रहा, आत्मा से रहा, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं यार, आप अवेयर हो जाओगे कि नहीं अब मुझे मेरा शेड्यूल लाइफ का बना लेना चाहिए और अच्छी तरह बना लेना चाहिए और उस शेड्यूल पे मुझे कायम रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। एज ए स्टूडेंट डू यू, आप कर पाओगे, करोगे? अगर करोगे तो मैं आपको इसके बाद के बताऊंगा कि कैसे करने का। नेक्स्ट प्लीज। एक स्मार्ट गोल बना लो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड गोल। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, खाली बयान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं ये सारी बातें कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कैसे करना। नेक्स्ट प्लीज। आई विल फिनिश 4th चैप्टर ऑफ माई इंग्लिश बुक बाई 9 PM टूडे। 6 सेशन के अंदर आप एक सेशन ये ले लो कि आज शाम को 9 बजे तक मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे मैथ्स की इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो ही मैं एल्जेब्रा ज्योमेट्री के लिए आगे बढ़ पाऊंगा। मेजरेबल, 80% मार्क्स एंड एक्शन ओरिएंटेड। नहीं होगा एक्शन तो खाली बातें होगी, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और कल एग्जाम आके चले जाएंगी और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आएगा, अल्लाह ने मेरे नसीब में ये लिखा था, मैंने तो बहुत मेहनत की। आप कर रहे हो, राइट वे में करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट योर रिजल्ट्स। अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता है, आप भी मायूस नहीं होगे, बट एटलीस्ट पुट इट इन अ राइट पर्सपेक्टिव, पुट इट इन राइट डायरेक्शन, देन यू विल बी एबल टू अचीव दिस। एंड नहीं नहीं मेरे को तो 98% लाने के, हमारे पास आते हैं कभी कभी, अनुज नोस कि हमारे पास आते सर मुझे 98% लाने के, लास्ट एग्जाम में कितना लाया था, 55। नहीं, अनरियलिस्टिक है, 55 का 65 75, आप 75 की मेहनत करोगे ना तब जाके बाय डिफॉल्ट 85% आएगा, 80% आएगा। आप 95 का करोगे, आपका 55 का कैलिबर है, आप 95 करोगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, 70 आ जाएगा, शुक्रन। लेकिन 90 अनरियलिस्टिक, और फिर 90 नहीं आएगा तो मैं तो फेलियर हूं, मैं तो नहीं कर सकता हूं, नहीं करो ये, रियलिस्टिक 55 है, 70 यस, अगर आप पॉलिश करोगे तो थोड़ी सी पॉलिश करोगे 60% आ जाएगी, और हार्ड वर्क करोगे 70-75% कोई मुश्किल नहीं बात है, आराम से कर पाओगे, एंड टाइम बाउंड ना, बिल्कुल टाइम बाउंड।
कल शाम को एग्जाम है, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, आपकी बुक खुलनी चाहिए, टाइम बाउंड, नक्की मैं आज से यह करूंगा, सॉरी मैंने गलत बोला, आज से नहीं, मैं अभी से राइट नाउ आई विल स्टार्ट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह, नेक्स्ट प्लीज। कैसे करने का ये? सबसे पहले अपने घर का एक कोना आप फिक्स कर लो कि वहां मैं बैठूंगा, वहां मैं स्टडीज करूंगा। ईमानदारी से अगर अपने आप से सिलेक्ट करोगे तो ऐसा सिलेक्ट करना जहां टेलीविजन ना हो, जहां आसपास में फोन नहीं हो, जहां आसपास में दोस्त का गुजर ना हो, जहां खिड़की ना हो कि मेरा ध्यान बुक में नहीं बाहर होता है, माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत स्टडी करता है। माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो मेरे बच्चे लोग, अपने आप को धोखा दे रहे हो। डोंट डू दिस। अगर ये कर लोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी ऑन ट्रैक। आप ट्रैक पे हो, मैं आपको नहीं बताता हूं, मेरा कोई मंशा नहीं है आपको बताने का कि यू आर नॉट ऑन ट्रैक, यू आर ऑन ट्रैक। मैं वो बंदा हूं, मैं उसका मानने वाला हूं जो यहां पे होना चाहिए, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहां पे होना चाहिए। उसके लिए मुझे ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, टीवी से मुझे नजात लेनी पड़ेगी फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। एक ऐसा होगा स्क्रीन से दूर, व्हाट्सएप से दूर, फेसबुक से दूर, खिड़की से दूर। मां बाप को भी बोल देने का, मेरे दोस्त का फोन आवे तो बोला मैं स्टडीज में हूं, आई कैन नॉट कम। रिश्तेदार आते ना, छोटा, हम लोग साउथ बॉम्बे में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे हमारे घर रहते हैं, माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको बोलने का कि प्लीज थोड़ा ये एक महीने तक, एक 40 दिन तक अपना वॉल्यूम कम करो, टीवी बंद करो, लेट मी स्टडीज। खोजा मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी है, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, यू कैन यूज दैट लाइब्रेरी, यू कैन यूज सो मेनी लाइब्रेरीज। लेकिन यहां पे ट्यूनिंग करनी चाहिए कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, योर डिस्ट्रैक्शन विल डाइल्यूट योर जीनियस। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। योर डिस्ट्रैक्शन विल डाइल्यूट योर जीनियस। आप जीनियस हो, लेकिन अगर आपकी जीनियोसिटी अगर डाइल्यूट हो रही है, उसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, सिर्फ मेरा फॉल्ट है, बिकॉज मैं वो जीनियस को डाइल्यूट कर दे रहा हूं विद डिस्ट्रैक्शन। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन यहां पर है कि मैं 90% लाऊंगा, मेरा इनपुट्स यहां पर है 50% का, ये 50% का इनपुट्स मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं ये एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाऊंगा। नहीं होगा, मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं ऊपर से संतरा गिर जाएगा, मैं कितनी भी दुआएं मांगू संतरा नहीं गिरेगा, अनलेस के कोई मौजूदा हो। अगर मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा हूं और मुझे संतरा चाहिए, तो मुझे संतरे के पेड़ के नीचे खड़े रहना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा इनपुट्स अगर दोनों बराबर हो गए, तब जाके एक्सपेक्ट करोगे यू गेट अ गुड रिजल्ट्स। अगर नहीं होता है ऐसा, आपका एक्सपेक्टेशन यहां पर हो, आप जीनियस भी हो, लेट मी टेल यू दैट, आप हो, बिल्कुल जीनियस हो, उसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर आपकी टैलेंट अगर नहीं, वेस्ट हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, तब आपके पास अल्लाह ने जीनियस दी, जीनियस का मादा दिया, आप जीनियस हो, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास वो सारे मादे है, बट यू आर फेल टू इंप्लाई, यू आर गॉन। डोंट डाइल्यूट योर जीनियस, बी ऑन द जीनियस प्लेटो। आप कर सकते हो, आप तो ऑलरेडी जीनियस हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। द एबिलिटी टू डायरेक्ट माई ओन थिंकिंग एंड एनर्जी विथ फुलनेस पॉसिबल इन वन डायरेक्शन। क्या बोला मैंने आपको? मैं मेरी थिंकिंग, मेरी एनर्जी को गैदर करूं, फुलनेस पॉसिबल अटेंशन में लाऊं और इन वन डायरेक्शन अगर उसको गाइड करूं, उसका नाम कॉन्सेंट्रेशन है, उसका नाम फोकस है।
उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। हम वजू क्यों करते हैं, नमाज के पहले वजू क्यों करते हैं? नमाज के पहले वजू करने का फिलॉसफी ये है, साइकोलॉजी ये है कि सारी नापाकी से दूर, मेरे माइंड के अंदर मैं ये बात लाऊं कि मैं अभी अल्लाह के सामने रजू होने जा रहा हूं, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। स्टडीज के लिए भी यही करो कि सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म, आई गैदर माई एनर्जी, आई गैदर माई थिंकिंग इन सच अ वे कि इट शुड बी डिरेक्टेड इन ओनली वन पॉसिबल अटेंशन, गैदर करूं इन वन डिरेक्शन, आगे बढ़ूं, तब जाके मुझे कॉन्सेंट्रेशन होगा। लेकिन ये होता नहीं है। जब भी मैं बैठा मेरा माइंड यहाँ वहाँ घूमने लगा, जब भी मैं बैठा बुक खोलने मुझे फिक्र आने लगी, अरे क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो फ्रेंड का फ़ोन आया, ये आया, वो आया। मैं रिपीटेड डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी एक बात अगर समझ में आ जाए तो होगा, क्योंकि द मोमेंट मैंने बुक खोला ना, मैंने आगे बताया मुझे नींद आती, मुझे सर में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। अगर मेरा डिस्कम्फर्ट, मैं इतना डिस्कम्फर्ट को झेल लूं और इतना अच्छा प्रिपरेशन करूं, सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके ये सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया हूं, मैं मेरा डिस्कम्फर्ट हटा के, डिस्कम्फर्ट सर्कल हटा के मैं प्रिपेरेशन शुरू करूं और इतना प्रिपेरेशन करूं कि मैं डर को खा जाऊं और मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से ऊपर आवे कि यस आई कैन डू इट, मैं कर पाऊंगा और मैं कर लूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत आपने करी है अभी से। अगर इतनी मेहनत हो गई मेरे भाई, फिर डर की कोई भी वसत नहीं है कि आपको डरा दे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरा मार्क्स इतना कम आएगा या मैं एग्जाम्स के अंदर हर आंसर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो डिस्कम्फर्ट अभी आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिस्कम्फर्ट। क्यों डिस्कम्फर्ट, वाई, मैं क्यों ऐसा प्रस्पेक्टिव रखी कि मेरी स्टडीज है, मुझे अच्छी तरह करनी है, हैप्पीली करूंगा, देन वो डिस्कम्फर्ट को भी आपने हटा दिया। फिर आप बुक खोलोगे, नींद नहीं आएगी, अभी नींद आती है, बुक खोलोगे आपको सर दर्द नहीं होगा, बुक खोलोगे आपकी आंखें लाल नहीं होगी, बुक खोलोगे आपको आपको भूख नहीं लगेगी, बुक खोलोगे आपको वॉशरूम जाने की हाजत नहीं होगी। ये सारे डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट प्लीज, कैसे करेंगे ये? जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेटली प्रिपरेशन शुरू किया, आपने बुक खोला ना, वो भी बुक खुल गई है, सारे डिस्ट्रैक्शन हट गए हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन हट गए हैं, आपने खुद ने हटा दिए, हट नहीं गए, आपने खुद ने हटा दिए। अभी आप, मैंने बुक खोली, सेंसरी रिसिप्टर, मैंने जो भी पढ़ना शुरू किया यहीं पे आस्ते आस्ते जाना शुरू किया, मैंने सेंसरी रिसिप्टर को, सेंसरी को लगाया काम पे, और मैंने सेंसरी रिसिप्टर को लगाया काम पे, तो ये स्लोली स्लोली ये मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर लेना शुरू कर दिया। अब मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, देखो पांच ही स्टेप है। सेंसरी मेमोरी, सेंसरी लगाया, सुनना, देखना, दैट इज ऑल सेंसेस। मैंने सेंसरी रिसिप्टर को लगाया काम पे, मैंने एब्जॉर्ब किया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिटेंशन ऑफ मेमोरी, रिटेंशन ऑफ मेमोरी से रिकॉल मेमोरी, दैट्स इट। ये बुक का मसाला दिमाग में रखू, दिमाग का मसाला बुक में डालू, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, डन, आई एम डन। इतना छोटा प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस टाइम मांगता है, ये प्रोसेस प्रैक्टिस मांगता है, ये प्रोसेस आपका डेडिकेशन मांगता है, ये प्रोसेस आपकी ईमानदारी की डेडिकेशन मांगता है। ये कुछ नहीं होगा शॉर्ट, ये सेंसरी रिसिप्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन डॉक्टर साहब आप बोलना बहुत आसान है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी भी जाता, फिर भूल जाता हूं, मैं भी भूल जाता था जब आपकी एज का था तभी। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में वेवरिंग रहेंगे। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको टेलीविजन के ऊपर दिखाए ये स्लाइड, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी आप जाएगी ना तब अलग 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 जगह पे होगी। आप कैसे करने का शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे लाने का, नेक्स्ट स्लाइड में प्लीज देखो। शॉर्ट टर्म मेमोरी का इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन एक घंटे तक रहेगा आपके दिमाग में, फिर थोड़ा थोड़ा वेविंग ऑफ होते जाएगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी का ये भी वापस जादू है, कुछ इंफॉर्मेशन आपने बहुत ध्यान से अगर ले लिया ना तो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। एक सेंटेंस बोल दिया और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके अटक गया और फिक्स हो गया।
सर आप हंस रहे हो, आपको बताना हो, बिल्कुल होता है। जितने लोगों ने मुझे बोलनी नहीं चाहिए इस्लामिक चैनल का है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बताता हूँ। एक पिक्चर का डायलॉग है, एक मरतबा मैंने कमिटमेंट कर दी, ये क्या है? एक मरतबा सुना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया और वहीं फिक्स हो गया। ये उसका कमाल नहीं है डायलॉग का, आपने उतना ध्यान से उसको देखा है, उतना ध्यान से सुना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया वो बात। अगर मैं मेरी स्टडी का भी वही सही करूं तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? लेकिन एक बात है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है ना, उसकी स्टोरेज बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, आप कितना भी करोगे नहीं रहेगा। ऐसा बोलते डॉक्टर साहब अब रह जाएगा, अभी कॉन्ट्रोवर्सी बोलते कि नहीं रहेगा, सब चीज नहीं रहेगी। अगर सब चीज रहती तो मैं आपको बोलता कि एक मरतबा पढ़ लो आपका काम हो गया। नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिपीटेशन करना पड़ेगा, रिहर्सल करना पड़ेगा, रिट्रीवल करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, माइंड को यह बात जाएगी कि बॉस ये बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये घड़ी घड़ी रिपीट हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करो। अब क्या हुआ, आपका काम खाली प्रैक्टिस करना था, अब अंदर का कंप्यूटर क्या किया, अंदर के कंप्यूटर ने वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से निकाल के ये फाइल को निकाल के लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म उसका नाम ही लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म तक रहेगी, हो सकता है एक महीना, हो सकता है साल, हो सकता है लाइफ टाइम तक। तो मुझे स्कूल में मेरा दोस्त था ना, आफ्टर 25 ईयर्स स्टिल वी रिमेंबर, बिकॉज स्कूल में वो रिपीट हुआ साथ में, मेरे साथ में क्लास में सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वी रिमेंबर बिकॉज वो होल्ड है। मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन 25 साल पहले किया, लेकिन आज भी मुझे मेडिसिन आती है, मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ माशाल्लाह। What is that? लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और लॉन्ग टर्म रहेगा, इरेज नहीं होता जल्दी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से इरेज हो जाएगा। विजडम ऑफ द स्टोरी क्या है? नेक्स्ट प्लीज। कैसे करे? सिर्फ एक ही उसका है कि रिहर्सल करो एंड पैसिव रिपीटेशन। जितने टाइम रिपीट करोगे उतने टाइम आपका जो, अच्छा सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का बड़ा निज़ाम है, बड़ी कुदरत है अल्लाह की, कि आप जितना भी रिपीट करोगे ना, रिहर्सल करोगे ना, उतना आपका माइंड जो है वो मसल की तरह खुलते जाता है। और ये ऐसा है कि एक मरतबा ये एक्सरसाइज हो गई ना, खुल गया ना, उसको ताकत आ गई ना, फिर वापस सुकड़ेगा नहीं। तो अगर आपका माइंड आपको खोलना है, अगर आपको जीनियस बनना है, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी। कैसे रीडिंग करेंगे? बाय हार्ट, पैसिव रिपीटेशन, एंड उसके बाद में कुछ ना कुछ मीनिंग देते जाओ उसको, इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में किसी के साथ बांध दो। और बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने दिमाग में लगाओ। हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर बच्चे की अलग अलग थ्योरी होती है। बाय हार्ट रिपीटेशन समझ के, टाइट डाउन ऑर्गेनाइजेशन करके अगर करोगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। एटलीस्ट अल्लाह ने आपको जितना पोटेंशियल दिया है उतना तो कर ही लोगे आप, सिंपल। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन, बैठना पड़ेगा आपको, बुक खोलनी पड़ेगी। नो, देयर इज नो, आगे मैंने बताया। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? रेगुलर स्टडी नहीं होगा, रीड लेस एंड रिट्रीव मोर। अभी टाइम यही है ना, अभी बोले मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा तो टाइम हो गया मेरे भाई, कल तो एग्जाम है। तो रीड लेस एंड रिट्रीव मोर, जितना आपका सिलेबस है, जितना आपने याद कर लिया, रिट्रीव रिहर्सल, रिट्रीव रिहर्सल, रिट्रीव रिहर्सल, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये नहीं करोगे ना मेरे भाई, वो येल्लो लाइन है ना, आपकी जितनी भी मेहनत है ना, वो सारी डिके हो जाएगी, रस्ट हो जाएगी, उसके ऊपर जंग लग जाएगा मेमोरी के ऊपर, नहीं कर पाओगे।
अगर आपकी मेमोरी के ऊपर जंग नहीं लगाना है, जंग नहीं लगाना है, रस्ट नहीं करना है, उसको डीके नहीं करना है, तो उसके लिए रेगुलर स्टडी प्लान करना चाहिए। रिलैक्स, रियलिस्टिक अचीवेबल गोल का करोगे, रेगुलर करोगे, रिट्रीव करोगे, तो इंशाल्लाह ये ताज़ी रहेगी मेमोरी। और जब मेमोरी ताज़ी रहेगी तो ताज़ा ताज़ा एग्जामिनेशन के अंदर लिख पाओगे और ताज़ा ताज़ा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो भूल जाता हूँ, आपका बोलना बड़ा आसान है। ट्रू फॉरगेटिंग नेवर अकर्स, ये समझ लो मैंने बहुत जिम्मेदारी से ये सेंटेंस लिखा हूं। आप भूलते ही नहीं हो, ट्रू फॉरगेटिंग होती ही नहीं है अगर आपने ईमानदारी से रिट्रीव किया है, सॉरी रिटेन किया है तो नहीं होगा। उसके लिए मुझे ईमानदारी से रिटेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैंने रिटेन किया है नहीं होगी, उसके कारण हो सकते हैं कि मैं भूल जाऊं, कुछ कारण की वजह से हो सकता है। यस, एंजाइटी हो, लो कॉन्फिडेंस हो, डिप्रेशन हो, बहुत फियरफुल हूं, नहीं कर पाता हूं, एकदम पैनिक में आ जाता हूं क्वेश्चन पेपर देख के, हो सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं होगा, हो सकता है। क्या होता है कि कभी कभी मेरे माइंड के एक बॉक्स के अंदर मैंने ये क्वेश्चन रखा हूं, वो बॉक्स तक मैं पहुंच नहीं पाता हूं, वो एरिया तक मैं पहुंच नहीं पाता हूं। मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, पैसे पहला क्वेश्चन मेरी फेवर में नहीं, माय गॉड ये नहीं आया, मैं पैनिक हो गया, जो मुझे आता है वो भी भूल जाऊंगा। हजरत अली की एक प्रोवर्ब है कि मुसीबत प्रथम एक हो, मुसीबत पहले एक होती है, घबराने से डबल हो जाती है। ये वही होता है एग्जामिनेशन में, वही होता है। ठीक है, इट इज ऑल राइट, डोंट गेट पैनिक। अच्छा, फिर बाहर निकलने के बाद में वो किया क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अरे वो तो वो था, ओ माय गॉड मुझे पूरा याद था, वो बॉक्स तक नहीं पहुंच पाया वो, और बिकॉज ऑफ एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, फियरफुलनेस। ठीक है, इट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन नहीं आया, डोंट वरी, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, डोंट वरी, काम डाउन, तीसरे क्वेश्चन से शुरू कर, जो आता है उसके ऊपर 100% एफर्ट्स लगा दे। जब ये करूंगा ना, जब मैं शांत रहूंगा ना, तो जो पहला क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, वो भी मेरा माइंड बोलेगा कि अरे हाँ ये तो ये क्वेश्चन है, एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग। पर उसके लिए वो टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पैनिक नहीं होना है। पर डॉक्टर साहब ये होगा कैसे? अभी ये पैनिक नहीं होने के लिए भी एक मैंने फॉर्मूला लेके आया हूं। उसका नाम फिर बोलेंगे, डॉक्टर साहब आप पीछे ही पड़ गए हो यार, रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल। यस, स्टडीज करो, स्टडीज करो, अच्छी तरह करो, अच्छी तरह रिहर्सल करो। गुड मेमोरी आपको एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका फियर, आपका पैनिक डिसऑर्डर कुछ काम नहीं करेगा। सबके ऊपर जीत के आपका कॉन्फिडेंस आएगा और इंशाल्लाह आप अच्छा कर पाओगे, प्रोवाइडेड आपका होमवर्क अच्छा होगा। नसीब किसका साथ देता है मालूम? जिसकी मेहनत होती है, तो आपका नसीब साथ देगा, लेकिन आप मेहनत तो करो भी। नेक्स्ट प्लीज। देर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क, परसिस्टेंट प्ले, देर इज नो शॉर्टकट, नो मुझे शॉर्टकट लेना भी नहीं है। बच्चे लोग रात में निकल जाते हैं 10 बजे, बोले वहां बोरीवली में पेपर मिलता है, यो सब स्टडीज बंद करके बोरीवली भाग रहा है पेपर लेने के लिए। अरे कौन पेपर देगा? और काई को ऐसा पेपर मेरे को चाहिए भाई? ये अल्लाह मियां ने ये पेपर दिया, इसके ऊपर भरोसा कर मेरे भाई, इसके ऊपर भरोसा कर, ये पेपर के ऊपर भरोसा कर, ये पेपर जो है तेरे पास उसके ऊपर भरोसा कर, स्टडी कर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट अपने को करने का नहीं, पेपर आवे तो भी नहीं चाहिए अपने को। आई एम हैप्पी विथ माई ओन एफर्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। रोल ऑफ इमेजरी, अच्छी तरह रीडिंग करो, जो भी मटीरियल आपके पास है अच्छी तरह रीडिंग करो और फिर उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद में अकेले इतना जोर से बोलो कि अपने कान में आवाज आवे, वही आंसर। पहले मैंने रीडिंग कर लिया, फिर मैंने उतना जोर से बोला कि मुझे सुनाई दे रहे, और फिर विजुलाइज करूं मैं, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाऊं ये आंसर का, कि ऐसा 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 आंसर होगा। अभी क्या किया आपने?
इसको काम पे लगा दिया, इसको काम पे लगा दिया, इसको काम पे लगा दिया, तो क्या होगा, जितनी आपकी सेंसेस काम पे लगेंगे ना उतना आपको ज्यादा याद रहेगा। सिंपल, आप अपने सेंसेस को काम पे लगाओ। अगर आपने अपने सेंसेस को काम पे लगाया तो आपने अपने सेंसेस को मैसेज क्या दिया कि ये टाइम पे मुझे ये बहुत जरूरी है, स्टडीज करना, व्हाट्सएप देखना नहीं, तो मैं ये मेरे माइंड को मैं ये बोलूंगा कि ये टाइम पे ये जरूरी है, मेरे कान को मैं बोलूंगा ये आंसर, तो मेरा कान बोलेगा ये जरूरी है, ये सुनना है, बाकी कुछ नहीं सुनना है, तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा। एंड लास्ट विजुअल देखूंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि क्या हो रहा है, विजुअलाइज करूंगा। तो मैंने भी अपनी आंखों को भी काम पे लगा दिया, अंदर की आंख को, हाँ ऊपर की आंख को नहीं, ऊपर की आंख तो पड़ी रही है, रीडिंग है, अंदर की जो आंख है वो अंदर की आंख को मैंने विजुलाइज किया कि हाँ ये है। सिंपल ना, पर इसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज, यस लिसनिंग, आराम से सुनो, रीडिंग करो, क्लियर कंसेप्ट कर लो, अंडरस्टैंड कर लो अपने सब्जेक्ट को। अभी ये सब टाइम जो है ना, स्टार्टिंग में जब भी होते ना, हमारे स्कूल चालू होती तभी हम लोग करते, कॉलेज चालू होती तब करते, अभी कौन सा टाइम आ गया, अभी ये तीन लास्ट जो तीन है ना मैटर उसका आ गया। अभी अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, अच्छे दोस्त से। मैंने आगे स्लाइड में क्या बोला, गलत दोस्त को डिलीट करो, नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं लाइफ टाइम तक, तो मेरे को नहीं चाहिए अच्छे दोस्त लोग, जो दोज़ आर इंटेलिजेंट, दोज़ हू हैव दैट सेंस विद देम। अच्छे लोगों से डिस्कस करो, प्रैक्टिस करो बैठ के लिखने की, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बैठूंगा, और फिर जो भी अपना टीचर प्रोफेसर होता है उसके पास जाके रिक्वेस्ट करोगे प्लीज़ मेरा एक करेक्ट करके दो। इमीडिएटली कल के कल आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश में कितने एक्सपर्ट हो या कितने वीक हो। ये तीन चीज़ खाली कर लो, डिस्कस करो, डिस्कस करने में आपके अंदर के जो न्यूरो ट्रांसमीटर ना वो खुलेंगे कि मुझे इतना नहीं पता है, जितना पता है, जितना टाइम है यूटिलाइज, कल सामने कल सुबह एग्जाम्स आ जाएगी, अभी मेरे पास टाइम कम नहीं, अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो बराबर, अभी भी मेरे पास बहुत सारे दिन है, अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, अगर मैं डेडिकेटेडली यूज़ कर लिया, टेबल पे बैठ गया, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करके खड़ा होऊंगा ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट प्लीज, एग्जाम एंजाइटी से कैसे कोपिंग करना, एग्जाम सामने आ गई, स्ट्रेस तो रहे, एग्जाम के बाद में जैसे ही मैंने पेपर पे गया, पेपर देखा, इतना इमोशनली मैं डिस्टर्ब हो गया कि मेरे को पैनिक अटैक आ गया, ड्यूरिंग एग्जाम्स के अंदर ही मैं कुछ लिख नहीं पाया, मेरे हाथ कांपने लगे, मुझे कुछ पेपर में दिखता नहीं है, क्वेश्चन नहीं दिखते, लूज मोशन होने लगे मेरे को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एग्जाम अपियर अभी नहीं किया हूं, मैंने पेपर नहीं लिखा हूं, उसके पहले ही मेरे दिमाग में आ गया कि मैं तो फेल हो गया। अब जिस बंदे के दिमाग में ये आ जावे कि मैं फेल हो गया, वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, चालू एग्जाम के अंदर हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, क्या क्या होने लगेगा, ऐसे से बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाए, काम डाउन, ये नेगेटिव बात है, नथिंग टू वरी, मैंने मेरा प्रिपरेशन कर लिया हूं, मैं करूंगा, गो आराम से अपियर फॉर एग्जामिनेशन, नथिंग टू वरी। कोपिंग मैकेनिज्म आपका जो है ना, एग्जाम एंजाइटी का कोपिंग मैकेनिज्म है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। एग्जाम के अंदर हॉल के अंदर गए, पेपर आया, कि आपका कोपिंग मैकेनिज्म है ना वो काम नहीं करता है। अब पेपर में आया एंड माय गॉड व्हाट हैपन, एकदम पैनिक हो गया, और ड्यूरिंग एग्जाम ही मेरी इतना पैनिक हो गया कि मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, मेरी नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगी, पाल्पिटेशन होने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं, लूज मोशन होने लगे, प्यास आने लगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या है, और दिमाग में क्या खाया था, मैं तो फेल हो गया। आपका कोपिंग मैकेनिज्म बढ़ाओ, कुछ नहीं हुआ है, आपको सब आता है, जस्ट काम डाउन, एक ग्लास पानी पियो, डीप ब्रीथ लो, नथिंग टू वरी,
सलवार पढ़ लो, कुलोवल्ला पढ़ लो, आराम से, जस्ट कम डाउन, 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन रहा तो 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। काम डाउन, ठीक है, इट इज ऑल राइट, जो मुझे आता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं करूंगा, आई कैन डू इट। मैंने सबसे पहली स्लाइड बताई, आई कैन आई विन, आई कांट आई लूज। एग्जामिनेशन लिखने के पहले ही उसने सोच लिया कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म अगर मैं स्ट्रांग करूंगा तो ना मेरी फिजिकल सिम्टम्स होगी, ना मेरी इमोशनल सिम्टम्स होगी, और ना मेरी फीलिंग ऐसी नेगेटिव फीलिंग होगी कि मैं फेल हो जाऊंगा या क्या हो जाएगा। और उसके बाद में मेरी सेल्फ टॉक जो है ना, व्हाट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो होपलेस हूँ, मैंने पढ़ा नहीं, ये वो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये सारी बातें मेरे आपसे हो रही है, ये जितनी बातें ये होगी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना नीचे जाएगा, जितनी बातें होगी मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम नीचे चला जाएगा। डोंट डू दैट, ठीक है, इट इज ऑल राइट, नथिंग टू वरी। मेरा बोलना बहुत आसान है लेकिन आपका करना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। नेक्स्ट प्लीज। सी, मैं जितना अपने आपको लिमिट करूंगा ना, आई, योर ओनली लिमिट इज यू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, ये मेरी एक स्लाइड, बहुत ध्यान से समझ लेना। कितनी भी सर्दी हो, सियाचिन के अंदर हमारे जवान क्या करते हैं, इतनी सर्दी -10 -15, इतनी सर्दी के अलावा भी उसके अंदर एक फायर है, उसके अंदर एक फायर है, पेट के अंदर फायर है कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। आपको कितनी भी बड़ी डर हो, आपका कितना भी बड़ा एग्जामिनेशन हो, आपकी अंदर की जो फायर है वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए, वो कभी डर के खौफ में नहीं आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकेगी। अगर वो फायर ठंडी पड़ गई, देन यू आर नोवेयर। दुनिया आपको कितनी भी पुश करे, कितना भी बड़ा एग्जामिनेशन हो आपका, अगर वो फायर जिंदा रहेगी तो आई कैन डू एटीट्यूड रहेगा, आई कैन डू एटीट्यूड रहेगा, देन हाउ आई कैन डू आएगा, हाउ आई कैन डू आया, देन यू आर द विनर, नथिंग टू वरी। जब वो सियाचिन वाला कर सकता है, मेरा भाई कर सकता है, हिंदुस्तान की सरहद पे आराम से कर सकता है, वो इतनी ठंडी में कर सकता है, तो मैं यहां मेरे घर में आराम से बैठ के इतना तो कर ही सकता हूं कि मैं कोई फियर से नहीं डरूं, मैं वो काम करूं, लेकिन वो फायर मेरे अंदर होनी चाहिए। अगर ये मैंने नहीं किया, अभी ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये मैंने एग्जीक्यूशन, ये एक्शन प्लान अभी मेरे प्रेजेंटेशन के बाद में अगर मैंने नहीं किया, मेरी एग्जाम का रिजल्ट अल्लाह ना करे प्लस माइनस हुआ, मैंने अपना फेल नहीं, अपना रिजल्ट नहीं बिगाड़ा हूं, मैंने अपना रिजल्ट फेल नहीं लाया हूं, मैंने अल्लाह ने मुझे जो टैलेंट दी थी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एट द एंड ऑफ द डे मैंने अल्लाह को, अल्लाह की नेमत को इंसल्ट किया हूं। जब वो मेरा भाई कर सकता है सियाचिन में बैठ के, अंदर जो फायर है वो कर सकता है, वो इतनी बड़ी अंदर जज्बा है कि मैं कर लूंगा। मैं तो खाली एक छोटा सा आपको जज्बा बोलता हूं, एक स्टडीज का जज्बा लेके आओ, एक इल्म का जज्बा लेके आओ, एक नॉलेज का जज्बा लेके आओ, अगर वो कर लोगे तो इंशाल्लाह कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट प्लीज। आराम से, जिस दिन एग्जामिनेशन होती है, 10 बजे की एग्जाम है, 8 बजे दुकान बंद, बुक बंद, आराम से खाओ, अच्छा नाश्ता करो, अच्छी इबादत करो, रात में पहले अच्छे से सो लो, अच्छा पढ़ो, सुबह उठो, फजर पढ़ो अपना, थोड़ा जो रिवाइज करना है, 8 बजे बंद, 11 बजे अगर पेपर है तो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले दुकान बंद। ये सेंटर में भी जाते तो कुछ नहीं होने वाला है, डोंट डू दैट, कुछ नहीं होने वाला है, आराम से सो, आराम से इबादत करो, आराम से बुक बुन करो, रिलैक्सली जाओ, अपने माँ बाप की दुआएं लेना मत भूलना, बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत सारे बच्चे लोग रात रात भर कॉफी चाय, कुछ तो गोलियां भी लेते कि मैं गोली लूँ कि मैं झाग पाऊंगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे भाई। जितना शुगर इंटेक, जितनी कैफीन तुम रेगुलर लेते हो, उतनी एक कप चाय जो भी आपकी आदत है उस हिसाब से पियो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है तो मत पियो, डोंट डू, चाय भी, चाय से कुछ होता नहीं है। माइंड सेट एकदम रिलैक्स रहो, माँ बाप की दुआ लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी दुआ लो, अपने गुरु की दुआ लो, अपने टीचर्स की दुआ लो, और अपने मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखो और आराम से जाओ, इंशाल्लाह यू विल रॉक। नेक्स्ट प्लीज। अपनी जो सेल्फ टॉक है, हमेशा हमेशा जो भी सिचुएशन है, इंशाल्लाह मैं कर लूंगा,
मुझसे हो जाएगा और मैं ही करूँगा और मेरे में वो काबिलियत है, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। अगर ये पॉजिटिव बात रही अपने आप से, अगर ये पॉजिटिव बात रही तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई भी बात का मसला नहीं है। शुक्रन, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो बोला हूँ, छोटी छोटी बातें बताया हूँ, इम्प्लीमेंट करना, माँ बाप की दुआएँ लेना, और इंशाल्लाह आप जो भी बातें बताई हूँ आप करोगे तो इंशाल्लाह ये पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई ओनली शैल डू इट। एंड बस मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा गुड बेस्ट विशेस, गुड लक टू यू। अच्छी एग्ज़ाम करो, रिलैक्सली करो और इंशाल्लाह अपनी माँ बाप का नाम बढ़ाओ, अपनी कौम का नाम रोशन करो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।